पड़ेगा ना हमको, जो हमारा सिस्टम का हिस्सा है पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है क्यों नहीं पढ़े उसको, हम पढ़ लेते हैं उसको। मैं आपको अब ये मत बोलना सर ये तो आप पढ़ा रहे हो एमबीबीएस वाली ह्यूमन फिजियोलॉजी, नहीं बेटा एमबीबीएस की ह्यूमन फिजियोलॉजी किताब देख लोगे ना इस समय देख लोगे ना दो चार दिन नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी मत, अभी सोचो भी मत, अभी एमबीबीएस की किताब के बारे में सोचो भी मत, नहीं तो मनोबल टूट जाएगा, ठीक है ना। एमबीबीएस की किताबों के बारे में इतना समझ लो आप कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबें कुल इतनी हैं कि आप सारी किताबें कनिंगम्स मैनुअल से लेके एनाटॉमी हिस्टोलॉजी ऑस्टियोलॉजी के फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी ट्रेंडी आपका एनाटॉमी जो है एनाटॉमी की बुक के उसमें भी तमाम और बायोकेमिस्ट्री की बुक हार्पर न ये ना वो उठ के सब जोड़ लोगे ना तो बैग उठाने में बहुत भारी हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है उस बैग को उठा के दे आप 4 से 10 घर में चक्कर लगा लोगे ना तो आपका 1-1.5 किलो वजन कम हो जाएगा, ठीक है। और पूरे एमबीबीएस की किताबें जोड़ लो आप, गट्ठर बांध के किसी को दे मारा ना, सच बता रहा हूं, या तो कोमा में चला जाएगा या ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। इतनी किताबें हैं एमबीबीएस की, कितनी किताबें हैं, गट्ठर बांध के मार दिया तो आदमी कोमा में चला जाएगा या भगवान को जाकर शिकायत करेगा कि देखो एमबीबीएस की किताबें फेंक के मार दी इसने मेरे को, ऐसी किताबें होती हैं, ठीक है। मतलब जितना टोटल तुम यहां पढ़ रहे हो ना ये मत सोचना कि इसके बाद में जिंदगी खुशहाल है, अरे भाई जिंदगी जो है वहां से शुरू होती है। तुम दरवाजे पे खड़े हो, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है कि अंदर आने का है कि नहीं आने का है, ठीक, दरवाजा बंद है अभी, मेडिकल की दुनिया अलग है, एक बार जब एंटर करोगे अंदर जाके देखोगे अरे भयंकर भाई कहां आ गए, पढ़ना पड़ेगा। तो पहले ही टेस्ट कर लेते हैं आपको वो कि देखो भैया देख लो ना, ऐसा ना हो कि अंदर किताबें देख के हार्ट फेल कर जाए आदमी का, पहले ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। कड़े हृदय के हो, बर्दाश्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो और राज की बात बताऊं जीवन भर पढ़ सकते हो तो आ जाओ अंदर, नहीं तो अपनी भैंस चराओ जाके भाई, कुछ नहीं कर सकते मेरे नाथ के। तो जाहिर सी बात यह है कि इसलिए हल्के में मत लो इसको, ठीक।